रायपुर के एनएच एमएमआई नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों का दावा है कि पेट की कैंसर के आंकड़े भारत में बेहद चिंताजनक हैं और इससे लड़ने के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लगातार काम कर रहा है। ऐसे कई मरीज हैं जो कैंसर के तीसरे स्टेज से ठीक होकर घर लौटे हैं। इनमें सबसे गंभीर केस माधवी का था जो स्टेज 3 स्टमक कैंसर के साथ आई थी। उनके सर्जरी समेत कीमोथेरेपी के 4 साइकिल्स हुए, फिर अंजुवेंट कीमोथेरेपी के 4 साइकिल्स हुए। ये केस बेहद जटिल था। बीते 1 साल से मरीज की स्थिति बेहतर है। दूसरा केस सरस्वती कोसीमा का था, वो भी स्टमक कैंसर के तीसरे स्टेज पर थी। 14 साल पहले उनके पेट की सर्जरी हुई, साथ ही 6 साइकिल्स कीमोथेरेपी के भी हुए। अब वो बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रही हैं। डॉक्टर मऊ रॉय कहती हैं कि कैंसर के लक्षणों के बारे में जागरूकता बेहद जरूरी है। जी मचलना, पेट में दर्द होना, काले रंग का मल आना आदि पेट से संबंधित अन्य आम समस्याओं में भ्रम पैदा कर सकती है, जिसे समझना होगा। जिन मरीजों ने अपने इलाज और इलाज के बाद के अनुभव साझा किए, वे निश्चित रूप से इस बात का उदाहरण है कि कैंसर के मरीज भी पूरी तरह से ठीक होकर घर लौट सकते हैं। तो हमने शासन और प्रशासन से दोनों से बात की है कि हम छत्तीसगढ़ के सुदूर क्षेत्रों में जाकर भी कैसे डिटेक्शंस कर सकते हैं। तो एक ड्राइव हम चलाने वाले हैं जिसमें हम अपनी पूरी टेक्निकल टीम को लेकर छत्तीसगढ़, रायपुर और जितने ऐसे प्रभावित क्षेत्र हैं जहां पर कैंसर के ज्यादा पेशेंट्स हैं, वहां पर हम जाकर उनकी डिटेक्शंस करें और उनको उपचार करें। साथ ही हमने शासन प्रशासन से एक और जो चर्चा की है, जिसके लिए अनुमति भी मिली है, हम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत और जो शासन प्रशासन की जो स्वास्थ्य योजना है उसमें गरीब पेशेंट्स का भी अपने यहाँ ट्रीटमेंट कर पाए, ऐसा हमने किया है। कैंसर अपने आप में एक बहुत बड़ा फैमिली के लिए मेंटल ट्रॉमा रहता है, फाइनेंशियल ट्रॉमा रहता है, तो NHMMI ऐसे पेशेंट्स की मदद करना चाहता है, उनका जितना कम से कम दरों में ट्रीटमेंट हो पाए हम उनकी मदद करें। ब्लड कम हो गया है शरीर में या जॉन्डिस डेवलप हो गया है तो उनको तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए और संपर्क करके अपनी जांच करवानी चाहिए। जांच के बाद अगर कैंसर का डायग्नोसिस लेबल होता है तब हम उसको प्रॉपरली स्टेज करते हैं और स्टेज करके मल्टीडिसिप्लिनरी टीम जिसमें एक सर्जन, कैंसर सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट साथ में बैठते हैं और पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसीजन मेकिंग होता है। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर अर्ली कैंसर होता है तो हम सर्जरी करते हैं पेशेंट में, अगर कैंसर लोकली एडवांस्ड होता है, तीसरे स्टेज में होता है, तो हम ट्रीटमेंट का सीक्वेंसिंग बदल देते हैं। हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं ताकि बीमारी का स्टेज कम कर सके, उसके बाद सर्जरी की जाती है और बाद में वापस से कीमोथेरेपी और रेडिएशन दिए जाते हैं। और अगर स्टेज बहुत बढ़ गया है तो हम सिर्फ पेशेंट को सपोर्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट या सपोर्टिव ट्रीटमेंट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एडवांस्ड कैंसर में सर्वाइवल काफी ड्रॉप हो जाता है। और उसी के साथ